अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे मटन सेम की फल्ली। ये हम शोरबा टाइप बना रहे हैं, तो चलिए इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या लगेगा। हमने 250 ग्राम सेम की फल्ली ले ली है। इसको इस तरह से बीच में से कट्स लगा के इसको अच्छे से चेक कर लें, और फिर इसको इस तरह से छुरी की मदद से हमने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। सेम की फल्ली के हिसाब से हमें 2 टमाटर लगेंगे और थोड़ी सी प्याज, और हमने ये 200 ग्राम मटन ले लिया था जिसमें हमने 1 प्याज को डालकर अदरक लहसुन हल्दी डालकर गला दिया था। तो चलिए अब इसे हम कुकर में बना रहे हैं। आप चाहे तो पतीले में बना सकते हैं। तो हमें 3 से 4 टेबल स्पून उतना ऑयल लगेगा, और जो हमने प्याज रखी थी 1 टेबल स्पून उतनी वो सबसे पहले डाल देंगे और इसे गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। और बिल्कुल 1 टी स्पून उतना नमक डाल देंगे, और 1 टी स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, और 1 टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्ची डाल देंगे, और जो टमाटर हमने रखे थे कट करके इसे भी डालकर अच्छे से भून लेंगे। 1-2 मिनट भूनने के बाद जो हमने मटन रखा था प्याज वाला वो इसमें ऐड कर लेंगे। ये सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर हमने जो सेम की फली कट करके धो के कट करके रखी थी वो इसमें ऐड कर लेंगे। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। फिर 1/4 टीस्पून इसमें हम हल्दी पाउडर डाल देंगे, और 1 टेबल स्पून उतना पानी ऐड करके कुकर को लगा लेंगे, और सिर्फ 2 सीटी होने तक ही हमें इसे गलाना है। देखिए अब हमारे ये 2 सीटी हो चुके हैं, तो चलिए अब इसे खोलकर चेक कर लेंगे। ये हमारा सेम की फली अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। हम इसमें 3 से 4 हरी मिर्ची को कट्स लगा के और 2 टेबलस्पून उतना हरा धनिया को बारीक चॉप करके डाल देंगे, और इसे अच्छे से भून लेंगे जब तक कि इस पर अच्छे से ऑयल ना आ जाए। चखने पे हमें नमक कम लगा था, तो हमने इसमें बिल्कुल 1/2 टीस्पून उतना नमक डाला है। आप आपके टेस्ट के हिसाब से नमक डाल सकते हैं। तो देखिए अब इस पर अच्छे से ऑयल आ चुका है, हमारे सेम की फली अच्छे से भून चुकी है, तो अब ये सर्व करने के लिए रेडी है। तो चलिए इसे अब सर्व कर लेंगे। लीजिए ये हमारी सेम की फली, मटन सेम की फली तैयार है। आप इसे ज़रूर बनाएं और मुझे ज़रूर बताएं आपकी सेम की फली कैसी बनी थी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो फैमिली में शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।